हाँ जी, नेक्स्ट बेटा मेरे पास जो क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मैक्सिमाइज या इज मैक्सिमम। आई एम अगेन रिपीटिंग, द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मैक्सिमम अंडर लीनियर कॉन्स्ट्रेंट्स। हाँ जी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो वैल्यू मैक्सिमम है लीनियर कॉन्स्ट्रेंट पे, वो कहाँ पर होती है? अब मैं ऑप्शन बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना। नंबर फर्स्ट, एट द सेंटर ऑफ फिजिबल रीजन, एट 0 0, एट एनी वर्टेक्स ऑफ द फिजिबल रीजन, एंड डी द वर्टेक्स विच इज एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। 100% मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा है यहां पर, उसने ऑप्टिमम वैल्यू नहीं लिखी, उसने कहा कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कहां पर होगी। जितना डिस्टेंस से ओरिजिन बढ़ता जाएगा उतनी वैल्यू बढ़ती जाएगी, वो मैक्सिमम होगी। तो दैट मींस इसका आंसर क्या होगा कि इट्स वैल्यू इज मैक्सिमम एट द वर्टेक्स विच इज एट ए मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब कहने का मतलब कि अगर मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाऊं, ये देखिए, कई बार ना ऐसे डायग्राम भी बना होता है, ये शेडेड रीजन है, आपके पास ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है। आपने देखना मैक्सिमम वैल्यू कहाँ अटेन होगी, आप देखना मैक्सिमम वैल्यू वहीं पे अटेन होगी जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से क्या होगा, ज्यादा होगा। जितना ज्यादा डिस्टेंस उतनी वो अपने आप वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। सिंपल सी बात। ओके बेटा, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, एवरी एलपीपी एडमिट्स एन ऑप्टिमल सोल्यूशन। वो कहता है हर एलपीपी का ना ऑप्टिमल सोल्यूशन आएगा, इज इट ट्रू? नो, क्योंकि हमने ऐसे भी क्वेश्चन किए हैं जिसमें कॉमन सोल्यूशन ही ना हो। अगर कॉमन सोल्यूशन नहीं होता तो हम क्या कहते हैं, नो सोल्यूशन, यानी पहले वाला गलत है। लेट अस रीड सेकंड। एलपीपी एडमिट्स यूनिक ऑप्टिमल सोल्यूशन। वो कहता कि हर एलपीपी का एक यूनिक सोल्यूशन होता है। क्या एक ही सोल्यूशन होता है? कई बार इनफाइनाइट मेनी भी तो आते हैं ना, तो सेकंड भी फॉल्स है। नंबर थर्ड, इफ एलपीपी एडमिट्स टू ऑप्टिमम सोल्यूशन, इट हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सोल्यूशन। अगर एक एलपीपी में मेरे पास जो है दो ऑप्टिमम सोल्यूशन आते हैं, मान लो कहीं पे भी, यहां पर और यहां पर, ये दो मैक्सिमम वैल्यूज आई मान लो कॉर्नर पे, एक यहां पर और यहां पर, तो हम कहते हैं कि देयर इज एन इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स। ये मैंने उस दिन भी बताया था, अगर दो पे सेम मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, दो पॉइंट्स पे सेम मैक्सिमम, तो हम कहते हैं कि उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करता, मान लीजिए इस पे और इस पे सेम आ रहा है वैल्यू आ रही है, तो आप कहोगे लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स पे इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होते हैं। ये ट्रू है। मैं एक बार फोर्थ पॉइंट भी पढ़ देती हूँ आपको। फोर्थ पॉइंट है, द सेट ऑफ ऑल फिजिबल सोल्यूशन ऑफ एन एलपीपी इज नॉट ए कन्वेक्स सेट। वो कहता कि कन्वेक्स सेट नहीं होता। हमने तो किया कि वो हमेशा क्या होता है, कन्वेक्स सोल्यूशन सेट सोल्यूशन ही होता है। ठीक है जी, क्लियर? तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट जो है, तो डी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। चलिए बेटा नेक्स्ट, इफ द कॉन्स्ट्रेंट्स इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स आर चेंज्ड। अगर मैं कॉन्स्ट्रेंट चेंज कर दूं, मतलब इनइक्वालिटीज चेंज कर दूं, मैंने उस दिन भी ये बात बताई थी, तो मुझे प्रॉब्लम को दोबारा देखना पड़ता है। हमने ये चीज की थी उस दिन, कॉन्स्ट्रेंट चेंज तो मतलब मुझे क्वेश्चन को दोबारा देखना पड़ेगा क्योंकि उसके कॉर्नर पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे। होगा कि नहीं होगा, मुझे ये सारा कुछ रीइवैल्यूएट करना पड़ेगा। अब देखते हैं यहाँ ऑप्शन क्या क्या है। द प्रॉब्लम इज टू बी रीइवैल्यूएटेड, सेकंड है सॉल्यूशन इज नॉट डिफाइंड, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हैज टू बी मॉडिफाइड, फोर्थ द चेंज इन कॉन्स्ट्रेंट इज इग्नोर्ड। फर्स्ट वाला ही आएगा,
हमें क्वेश्चन को दोबारा देखना पड़ेगा क्योंकि जेड तो सेम ही है और मैं इग्नोर नहीं कर सकती, मेन तो कॉन्स्टेंट्स का ही काम है ना, वही तो मेरी कंडीशन है जिनको मैंने सेटिस्फाई करना। ओके बेटा क्लियर। नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, मेरे पास क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट अस सी द पॉइंट एट विच, मेरे पास उसने कहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू x प्लस y सब्जेक्टेड टू कॉन्स्टेंट्स। मेरे पास किस वैल्यू पे मेरी जो है मैक्सिमम वैल्यू आएगी, क्या करें हम लोग यहां पर। अब मेरे को पॉइंट सी है, लेट अस सी, मेरे को पॉइंट सी हुए 30, 25, 35, 20, नेक्स्ट पॉइंट इज गिवन 20, 30 एंड 40, 15। हाँ जी, ये वैल्यूज पुट करके देख लें जेड पे, एक तरह का ये कॉर्नर पॉइंट ही है ना बेटा, दीज आर कॉर्नर पॉइंट्स एंड व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट हियर इन जेड एंड चेक एट विच पॉइंट द जेड इज मैक्सिमम। ओके, अगर मैं पुट करके देखूं, लेट अस सी, मैंने पुट किया तो ये बना 55, नेक्स्ट पुट करूंगी कितना बना 55, अच्छा नेक्स्ट पुट किया 50, नेक्स्ट पुट किया तो 55। अब प्रॉब्लम ये कि ये तीन सेम है ना, अब आपको ये कंफ्यूजन हो गई बेटा, ये पॉइंट्स इन दोनों कॉन्स्टेंट्स को भी क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए ना, वही वाला पॉइंट लेंगे ना, यानी आप यहाँ कॉन्स्टेंट्स में पुट करके देखो, ये तो होगा ही नहीं ना, इसकी तो टेंशन ही खत्म, यानी अब इन तीनों को पुट करके देख लें, है ना। तो जब आप पुट करोगे, मेरे पास 30 प्लस 50, ये कितना हो गया, सॉरी हाँ 50 80, ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये गलत हो गया, पहले वाला कैंसल हो गया, दूसरा पुट करूं, मेरे पास कितना आया 35 प्लस 40 75, ये भी नहीं हो रहा, तो लास्ट वाला 40 प्लस 30 70, दिस इज माय आंसर। पहले जेड में कूट कर लो, जो निकलते हैं वो निकाल दो, ये शॉर्टकट एक तरह का, फिर कौन आ भी जाता है ना तब भी कॉन्स्ट्रेंट में, क्योंकि कॉन्स्ट्रेंट को वो पॉइंट सेटिस्फाई करना चाहिए। मान लो वो पॉइंट आउट ऑफ द रेंज है कॉन्स्ट्रेंट के, कई बार आप डायग्राम बनाते हो ऐसे आया, सपोज वो पॉइंट ये आ गया, शेडेड रीजन तो ये, तो वो पॉइंट कॉर्नर पॉइंट सारी दोनों कॉन्स्ट्रेंट का कॉमन पॉइंट होना चाहिए ना, सेटिस्फाई करना चाहिए क्या नहीं, तो इसीलिए कह रही हूँ दोनों को चेक करना। अगर आपने वो नहीं करना, आप फटाफट ड्रॉ कर लो, इसको ड्रॉ करो, बेसिकली वो पॉइंट होगा जो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, उसी पे मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो वो निकाल लो तब भी आपको पता चल जाए। ओके क्लियर। नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, मेरे पास है, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन z 4x plus 3y can be maximized, जो है मेरे पास subjected to constraints 3x 4y less than equals to 24, 8x plus 6y less than equals to 48, x less than equals to y, और मेरे पास y less than equals to 6, x greater than equals to 0, y greater than equals to 0। अब मैं यहां पर अगर देखूं, मेरे पास ऑप्शंस हैं एट ओनली वन पॉइंट, नेक्स्ट ऑप्शन है एट ओनली टू पॉइंट्स, नेक्स्ट ऑप्शन है एट इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स, और डी ऑप्शन है नन। बुक्स में नन ऑप्शन दी हुई है, मैं बता दूं सीबीएसई बार बार कह रही है कि नन ऑप्शन मत दीजिए,
ठीक है बेटा, नन से ये होता है कि किसी बच्चे को कोई भी, वो दो वे से सोच लेता है, कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें और भी एक्सपांडेड फॉर्म उस बच्चे ने सोची हो पर हमारे सिलेबस में वो पार्ट ना हो, तो वो बच्चा चैलेंज करता है हायर क्लास का पढ़ के कई बार कि ये हायर क्लास में ऐसे होता है जी, है ना, वो सबने नहीं पढ़ा होता ना, तो इसीलिए वो नन ऑप्शन को टिक कर देता है। तो फिर सीबीएसई ने ये स्ट्रिक्ट कर दिया कि हम नन ऑप्शन को नहीं लेंगे, आ सकती है बट चांसेस बहुत कम। ओके जी, हाँ जी, अब मैं ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें ड्रॉ ही करना पड़ेगा, वी हैव टू ड्रॉ, और ड्रॉ जल्दी जल्दी करना है, इसका डायग्राम बनाओ, इसका डायग्राम मतलब लाइन बनाओ, इसका बनाओ, इसका बनाओ। देखो अब मैं कैसे ले रही हूं, फटाफट x0 y 6 y 0 8 मेरे पास, नेक्स्ट लाइन का x6 x0 8 6 0। ओके जी, अब मैंने ड्रॉ कर लिया, जब मैंने ड्रॉ किया देखो 0 6 0 6 वही वाला ऑप्शन आ रहा है दोनों में, आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये एक लाइन होगी मेरे पास, ये 8 पे और ये 0.6 पे, x लेस देन इक्वल टू 5। अब लेस देन इक्वल टू 5 मतलब पैरेलल टू 5, ये हो गया ठीक है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 ये हो गया। अब जो कॉमन सोल्यूशन है ना वो ये आएगा, 1 2 3 4, चारों पे वैल्यूज कैलकुलेट करके देखो, है ना, मान लो 2 पे सेम आ जाती है तो फिर अपने आप कौन सा आएगा ऑप्शन इनफाइनाइट में। क्लियर, बात समझ आ गई बेटा? ठीक है जी, कई क्वेश्चंस को हमें रफली ड्रॉप, हाँ बेटा, जब जेड की वैल्यू 2 पॉइंट्स पे सेम आ जाती है, वो दोनों कॉर्नर पॉइंट्स पे एक्सेप्ट होती है, तो तब हम कहते हैं देयर आर इनफाइनाइट मेनी वैल्यूज जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जरा ध्यान से सुनना, मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर x1 एंड x2, लेट अस सी, अगर x1 एंड x2 मेरे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशंस हैं ऑफ एलपीपी, तो ए मेरे पास x इज लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 है इज ऑल्सो एंड ऑप्टिमल सोल्यूशन। ये डिफरेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन से, ठीक है, बी पार्ट लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2, लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1 गिव्स ऑप्टिमल सॉल्यूशन। नंबर थर्ड मेरे पास जो है x इज इक्वल टू लैम्डा x1 प्लस 1 प्लस लैम्डा, कंडीशन बिल्कुल यही, ये याद रखने वाला कॉन्सेप्ट है बेटा। नेक्स्ट डी, x इज लैम्डा x1 प्लस 1 प्लस लैम्डा x2, लैम्डा गिव्स एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। प्लीज लिसन इट वेरी केयरफुली, अगर किसी भी मेरे पास एलपीपी का जेड x1 और x2 ऑप्टिमल सॉल्यूशन, अगर z1 और z2 ऑप्टिमल सॉल्यूशन है तो 100% बेटा मेरे पास आप किसी भी एक सोल्यूशन का z1 तो x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा z2 कर दो, या x2 कर दो, जो भी आपने नाम दिया, प्रोवाइडेड कि लैम्डा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, 0 भी इंक्लूडेड 1 में भी अगर एक्सप्रेस कर दें तो वो भी ऑप्टिमल सोल्यूशन ही देगा। ये हमारी थ्योरी में लिखा हुआ है, अगर आप थ्योरी पढ़ते हो एलपीपी की, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, यू हैव टू कीप इन माइंड दिस थिंग। ओके बेटा, क्लियर, नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा,
मेरे पास टू है। अच्छा अब ये क्वेश्चन तो लीनियर इनइक्वालिटीज में से है, बट आपको पता होना चाहिए कन्वेक्स और कनकेव। मैं आपको बता दूं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कन्वेक्स। अब देखिए जरा ध्यान से, एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन। मेरे पास बी पार्ट एक्स वाई, वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। सी पार्ट एक्स वाई, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू फाइव। डी पार्ट मेरे पास एक्स वाई, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू टू, वाई लेस देन इक्वल टू फोर। कन्वेक्स का मतलब मेरे पास बाउंडेड होना चाहिए एक जगह पे, है ना। हम अगर कन्वेक्स पॉलीगन करते थे तो उसका मतलब क्या था, सारी की सारी ऑपोजिट साइड्स के मतलब डायगोनल्स अंदर लाई करते। अगर ये मैं ड्रॉ करूं ना, अगर आप देखो मेरे पास ये कैसा है, ये सर्कल होता है पर शेडेड आउटर वाला, क्योंकि उसने कहा वन से बड़ा। अब वन से बड़े में वो टू वाला भी ले सकता है, थ्री वाला भी, बाहर हो गया ना, बाउंडेड तो नहीं हुआ अंदर। ऐसे ही ये क्या है, पैराबोला, एक्स लीनियर वाई क्वाड्रेटिक। मेरे पास ये कैसा पैराबोला हुआ, देखो ऐसा, इसका शेडेड रीजन ये बाहर वाला ना, कन्वेक्स कैसे हुआ, ना ये कन्वेक्स ना ये। ऐसे ही ये इलिप्स है, इसका भी बाहर वाला, लेकिन अगर आप ये देखोगे ना, शेड करो, अगर मैं ड्रॉ करूं वाई इक्वल्स टू टू, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये टू पे, वाई लेस देन इक्वल्स टू फोर, ये दोनों के बीच में बाउंडेड हो गया ना, दिस इज कन्वेक्स। हाँ, क्योंकि हम एलपीपी में सोल्यूशन कौन से निकालते हैं, बाउंडेड वाले निकालते हैं, अनबाउंडेड वाले तो लेते ही नहीं। इसीलिए हम बार बार कहते हैं एलपीपी का सोल्यूशन जो है वो कैसा होता है, कन्वेक्स सेट होता है। ओके क्लियर। चलिए नाउ कम टू नेक्स्ट। बेटा मेरे पास जो है, अच्छा मैं एक और आपको वर्डिंग, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में ही बताती हूँ, वर्डिंग यूज कर रही हूँ, प्लीज लिसन इट केयरफुली। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन है द सोल्यूशन सेट ऑफ द इन इक्वेशन टू एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन फाइव, इसका सोल्यूशन सेट कैसा है। देखो बेटा अगर मैं ड्रॉ करूं, ये लीजिए एक्स वाई, एक्स जीरो लिया, वाई फाइव, वाई जीरो ले ले 2.5, ठीक है जी। अब मैं इसको देखो ड्रॉ करने लगी तो मेरे पास क्या हुआ, एक्स जीरो वाई फाइव, ये 2.5, ये ऐसा हुआ, शेड अवे फ्रॉम ओरिजिन हुआ ना, है ये हाफ प्लेन, क्योंकि ये पूरे प्लेन को डिवाइड कर रहा है दो पार्ट्स में, एक अपर प्लेन एक लोअर प्लेन, हाफ प्लेन कहते हैं, बट अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो मेरे पास ऑप्शंस देखिए ध्यान से, है ना। अच्छा और ये ओपन एंडेड है, ओपन हाफ प्लेन है, अनबाउंडेड है ना, अनबाउंडेड को हम क्या वर्ड यूज करते हैं, ओपन, ठीक है बेटा। तो यहाँ ऑप्शंस अब आप बताओगे, हाफ प्लेन दैट कंटेन्स ओरिजन, नहीं ना, क्योंकि हमारे शेडेड रीजन में ओरिजन आ ही नहीं रहा। अगली ऑप्शन है ओपन हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग ओरिजन, ये सेट हो रहा है ना, तो ये इसका आंसर है। अगला तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं, ओपन हाफ है और क्या कर रहा है, ओरिजन को कंटेन भी नहीं कर रहा है। ओके क्लियर। नाउ कम टू नेक्स्ट। बेटा ये बहुत बार जो नेक्स्ट कराने लगी हूं एग्जाम में आया हुआ है बहुत बार बेटा,
लेट अस सी कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमिन बाय सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्स्ट्रेंट्स। हाँ जी, कॉर्नर पॉइंट्स मुझे ये दे दी, ये देखिए, लेट z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई वेयर पी क्यू ग्रेटर देन जीरो कंडीशंस ऑन पी एंड क्यू। उसने कहा मेरे पास p और q पे क्या कंडीशन होगी अगर मिनिमम वैल्यू ऑफ z दैट अकर एट दिस दीज टू पॉइंट। मिनिमम वैल्यू उसने कहा क्या करें, इसको कैसे सॉल्व करें, अगर मिनिमम वैल्यू 3,0 पे भी है 1,1 पे भी है, इसका मतलब मिनिमम ऑफ z अगर मैं 3,0 लेती हूं तो ये 3p हो गया क्योंकि मैंने x की जगह 3 y की जगह 0 3p हुआ। अब मिनिमम वैल्यू 1,1 पे भी हो रही है तो p प्लस q हो गया, ये दोनों क्या करेंगे इक्वल करेंगे तो दैट मींस 3p इज इक्वल टू p, मिनिमम वैल्यू तो सेम ही होगी ना, तो दैट मींस 2p इज इक्वल टू q वाली ऑप्शन को टिक कर देंगे। क्लियर टू एवरीवन, सबको बात समझ आ गई बेटा, कोई डाउट तो नहीं किसी को भी। चलिए नाउ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये एग्जांपलर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में मतलब शॉर्ट फॉर्म में भी आया हुआ है, ठीक है। लेट अस सी नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिजिबल रीजन फॉर एन एलपीपी इज शोन इन द फिगर, मेरे पास 12,6 ये शेडेड रीजन है, 0,4 12,0 और z दिया हुआ है 3x माइनस 4y। उसने कहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस z इज, मुझे मैक्सिमम वैल्यू बतानी है z के, क्या करें। हाँ जी, ये पॉइंट नहीं ना दिया, दैट इज नॉट मेंशन। सबसे पहले तो ये निकालेंगे पुत्र, इसका एक्स 12 है, एक्स 12 ही होगा, वाई दिया ही नहीं हुआ हमें, दैट इज नॉट मेंशन, दिया होगा ये पॉइंट 100% दिया होना चाहिए, अदरवाइज हम निकाल ही नहीं सकते क्योंकि ये 4 ये 6 ये कुछ ना कुछ तो दिया ही होगा है ना। अच्छा एक और पॉइंट मेरे पास जो है, क्योंकि हाइट कुछ ना कुछ तो होगी ना, यहाँ मिसिंग है स्टेटमेंट में। चलो हमें जो दो पॉइंट्स दिए ना, ये दो पॉइंट्स पे कैलकुलेट करके देख लेते हैं, ये बाउंड्री पे ही है तो लेट अस चेक। मेरे पास जो है 72 माइनस 24 कितना आएगा, 8 और 6 48 ऑप्शन मेरे पास नहीं दी हुई यहां पर, नहीं बेटा सॉल्यूशंस नहीं दिया, देयर इज सम टाइम द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग इन द बुक, ठीक है सम टाइम द स्टेट। अब ये देखूं अगर मेरे पास ने 0,4 माइनस 16 बन रहा है ना, ये भी ऑप्शन मेरे पास नहीं है, ऑप्शन दी हुई है 0, 8, 12, माइनस 18। आंसर सी ऑप्शन है 12, बट मेरे पास वो ऑप्शंस नहीं बन रही हैं, मीन स्टेटमेंट में कोई ना कुछ इनकम्प्लीट है, मेरे पास ये ऑप्शन नहीं दी हुई, ये दी होती तो शायद उससे आंसर निकल जाता। आज मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी, ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसको रीचेक कर लूंगी स्टेटमेंट को, डोंट वरी आई विल रीचेक दिस स्टेटमेंट, ओके बेटा। चलिए नेक्स्ट मेरे पास जो है,
ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस ऐसे ही दिए हुए हैं। कल हम बेटा असर्शन रीजनिंग के इसके क्वेश्चंस करेंगे। ओके, ऑल ऑफ यू ट्राई द असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन एट योर होम ऑल्सो, सो दैट कि हम इसको कंप्लीट कर सकें। कल का दिन लगाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर एओडी करेंगे। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।